आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कैसे भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको आपके व्हाट्सएप पे लिंक आएगा। जैसे आपका लिंक मानकर चलते हैं कि ये आपको लिंक आ गया है, ठीक है। देख सकते हैं सबसे नीचे आपका लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके गूगल क्रोम में ओपन होगा और आपको इसको गूगल क्रोम में ही ओपन करना है, ठीक है। अगर गूगल क्रोम में ओपन नहीं होता है तो आप लिंक पे थोड़ी देर प्रेस करके रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ही आप ना लिंक पे थोड़ी देर प्रेस करके रहेंगे तो मैसेज आएगा लिंक कॉपीड। इसके बाद आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे और इसको एड्रेस बार में, ये हमारा एड्रेस बार है, यहाँ पे थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, पेस्ट ऑप्शन आएगा। आप इसको पेस्ट करके, यहाँ एक एरो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक कीबोर्ड चला, देखिए कीबोर्ड पे ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर पे एक एरो है राइट साइड में, आप इस पे ना क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप अपने गूगल क्रोम को अपडेट करके रखेंगे। अपडेट कहाँ से करेंगे? अपडेट करने के लिए यहाँ एक कॉर्नर में राइट साइड में ऊपर में एक आइकन दिख रहा है, यहाँ प्रेस करेंगे और ये अपडेट क्रोम लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका क्रोम अपडेट हो जाएगा। अगर आप क्रोम को अपडेट नहीं करेंगे और क्रोम में नहीं ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। चलिए अब हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। फॉर्म के लिए आपको साइन इन होना ज़रूरी है जीमेल अकाउंट से। इसके बाद आप यहाँ सेक्शन मेंशन करेंगे, जो भी आप जिस सेक्शन में पढ़ते हैं, यहाँ रोल नंबर अपना मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपना एडमिशन नंबर मेंशन करेंगे, यहाँ आप अपना नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। जो भी आपका नाम है, नाम आपका किस चीज़ में होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए। कैपिटल, हमेशा कैपिटल लिखने के लिए कैप्स लॉक बटन है, इसको डबल प्रेस करके आप ऑन कर सकते हैं। देखिए अब ना सारी चीज़ें कैपिटल में लिखा रही हैं। या आपको फादर्स नेम भी कैपिटल में लिखना है तो फिर से इस पर डबल क्लिक करिए और लिख लीजिए, इजी है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है इसमें। इसके बाद फिर से आपको, आपका ये सेक्शन वन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप गूगल क्रोम यूज़ करिए, दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने अपडेट करके नहीं रखा है। इसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 × 15, मतलब कि आपके 15 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। चलिए अब मैं सारे जो भी ऑप्शन सही होंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पर टिक करता चलना है, करते चलना है, इसमें ऐसा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए देखिए मैं हर एक को ना टिक करता चल रहा हूँ, ऐसे मुझे 15 क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि अभी मैं एमसीक्यू सेक्शन में हूँ। चलिए अब बारी आती है ट्रू फॉल्स की। इसमें भी टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? तो 1 मार्क्स के हैं। ट्रू पे क्लिक किया हमने, ट्रू अगर आंसर है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक 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 करते हुए आगे बढ़ चलना है। यहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना बैक, तभी करना है जब आपको पिछले सेक्शन में कुछ एडिट करने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ना ये हमारा सेक्शन बी ओपन हो गया है। इस सेक्शन के लिए ना जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आपको आपके नोटबुक पे लिखना है, नोटबुक पे, या फिर A4 शीट पेपर ले लेंगे उस पर लिख सकते हैं चारों तरफ, वह एक एक सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ देंगे ताकि आप उस समय जब उसका PDF बनाएं तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। पेज के ऊपर क्या करना है? तो पेज के ऊपर स्टूडेंट अपना नाम लिख देंगे, एडमिशन नंबर लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे और जिस सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लिख देंगे। इसके बाद वो डेट भी लिख देंगे कि वो किस डेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद आपको उसको PDF में कन्वर्ट करना है।
पीडीएफ में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। पीडीएफ के अलावा दूसरा कोई ऐसा फाइल फॉर्मेट नहीं है जो कि इसमें अपलोड हो पाएगा। तो पीडीएफ बनाने को आप ध्यान से समझेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए अब मैं इस चीज़ को यहीं रहने देता हूँ और इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद हम कैम स्कैनर ओपन करेंगे, सॉरी कैम स्कैनर नहीं, कागज़ स्कैनर ओपन करेंगे। कैम स्कैनर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कागज़ स्कैनर इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आप बहुत आसानी से पीडीएफ में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकें, और ये थोड़ा सा इजी भी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा क्या, बहुत इजी है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ हमें पीडीएफ बनाना है तो यहाँ प्लस का साइन नीचे में, प्लस का साइन आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्लस का साइन। इसके बाद हम लोग प्लस के साइन पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करें हमारा कैमरा ओपन हो गया। कैमरे को पेज के ऊपर रिप्लेस करना है, ध्यान से ये देखना है कि चारों तरफ हमारा मार्जिन सही हो। अगर एक बार बीच में टैप कर लेते हैं तो एडजस्ट कर लेगा कैमरा फोटो के हिसाब से। इसका प्रीव्यू ध्यान देना है कि धुंधला ना आए। अब हम लोग कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने कैमरा ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये इमेज प्रोसेस होने लगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ क्या लिखा हुआ आया है, तो यहाँ लिखा हुआ आया है, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं यहाँ प्रोसीड वन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमने अभी एक पिक्चर ही इसमें ऐड किया है। मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा फोटोज़ हैं, आप एक से ज़्यादा पेजेस में आंसर लिखे हैं, तो फिर आपको अगले पेज का फ़ोटो लेना है। तो अगले पेज का फ़ोटो लेने के लिए आप अभी प्रोसीड पे क्लिक नहीं करेंगे, पहले आप सारे फ़ोटोज़ का पिक स्नैप कर लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रोसीड करना है, नहीं तो ये अलग अलग पीडीएफ बनेगा, एक पीडीएफ में नहीं हो पाएगा। चलिए हमने एक पेज ले लिया, अब मैं अपने पेज को टर्न कर रहा हूँ, मान के चलता हूँ हमारा दूसरा पेज ये है, फिर से हमने यहाँ रिप्लेस किया ऊपर और फिर से स्नैप किया। ध्यान देंगे कि हमारा फ़ोटो साफ आना चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारे दो फोटो हो गए, आप यहाँ सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, दो फोटो हो गए, प्रोसीड में भी टू दिख रहा है। मान लीजिए आपके पास तीन फोटोज़ हैं, तीन पेजेस में आपने आंसर लिखा है, तो फिर से कैमरा को उस पेज के ऊपर रिप्लेस करेंगे और स्नैप कर लेंगे, सिंपल है। चलिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है। चलिए अब हम देख सकते हैं हमारे तीन पेजेस तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास तीन हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप और भी स्नैप कर सकते हैं, अदरवाइज एक है तो एक ले सकते हैं, दो है तो दो ले सकते हैं, तीन है तो तीन ले सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जितने पिक्चर्स आपने जितने पेजेस में आंसर लिखे हैं सभी को पहले स्नैप कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ आपका अलग अलग पीडीएफ बनेगा और वो अपलोड होने में दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग एक बार में एक ही पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। चलिए हमने तीन पेज का स्नैप पीडीएफ तैयार करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक किया, जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं जिस ऑप्शन के थ्रू आप पेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि जो जिसका ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जो इमेज दिख रहा है वो इस एक्स्ट्रा इमेज का ज़रूरत नहीं है ना, तो इस बबल से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि बस हमारा पेज जाए। चलिए पहला पेज हमारा तैयार हो गया, ये दूसरा पेज के लिए आ रहा है, इसको एडजस्ट कर लिए बबल्स को पकड़ करके, ठीक है, फिर नेक्स्ट किए, ये हमारा तीसरा पेज आया, तीसरे पेज के बबल्स को भी पकड़ के हमने एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद हमारा ये ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट पिक्चर है ना वो थोड़ा सा धुंधला हो गया है, तो हम लोग फिर से क्या कर लेंगे, बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद
फिर से पिक्चर स्नैप कर लेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। देख सकते हैं बैक बैक जा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर हमारा ये है, फर्स्ट पिक्चर हमारा ये है। ऊपर में आप यहाँ क्रॉस देख सकते हैं, क्रॉस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे ये हमारा पहला पिक्चर हट गया। अब हम फिर से फर्स्ट पेज को स्नैप कर लेंगे, अच्छे से इमेज के ऊपर रख करके स्नैप कर लेंगे। स्नैप करने के बाद देखेंगे सही आया या फिर नहीं आया है। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट में ले आते हैं। चलिए प्रोसीड, फिर से क्रॉप करना है। सो फटाफट क्रॉप कर लिया जाए। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट पेज है, ये अब हमें सही दिख रहा है, नहीं लग रहा है इसमें कहीं कोई भी एरर, देखने में ये धुंधला जैसा दिख रहा है। चलिए हमने नेक्स्ट किया। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं हमारे तीनों पिक्चर्स यहाँ आ गए हैं। यहाँ ना कुछ इफेक्ट्स दिए हुए, देखिए मैंने ओरिजिनल कलर था, जैसे ही मैजिक कलर किया ना पिक्चर्स थोड़ा सा और साफ हो गया। अब हम लोग इसको डन, जैसे ही हमने डन पे क्लिक किया ये हमारा पेज आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ना आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट पेज था, तो हम इसको यहाँ पकड़ेंगे और ड्रैग करके फर्स्ट पोजीशन पे रख देंगे और फर्स्ट वाले को ड्रैग करके नीचे ला देंगे। ठीक है, हमारा सीक्वेंस सही हो गया। इसके बाद हम लोग ये जो नीचे जो सही का निशान है, एक प्लस है एक सही है, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको और फोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, प्लस नहीं करना है, तो सही के निशान पर टिक कर देंगे। जैसे ही सही के निशान पर टिक किए ये देखिए यहाँ आ गया आपका स्कैन किया हुआ। आप ना इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से ना इस पर क्लिक करके आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैंने क्लिक करा और नाम दे दिया, जैसे मान के चलते हैं आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, तो मैंने इसका दे दिया इंग्लिश नाम। ठीक है, ताकि मुझे इसको खोजने में परेशानी नहीं होगी। अब हमने सही के निशान पे टिक कर दिया। यहाँ देख सकते हैं ना डाउनलोड का सिंबल दिख रहा है, ये हमारा डाउनलोड का सिंबल है। जैसे ही हमने डाउनलोड के सिंबल पे क्लिक किया तो पूछ रहा है कि आप कैसे डाउनलोड करना चाहते हैं, इमेज या पीडीएफ। तो हमने पीडीएफ पे क्लिक करा है और आप नीचे मैसेज देख सकते हैं कि फाइल सेव टू डाउनलोडेड फोल्डर। चलिए अब हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम पहुँचते हैं अपने गूगल फॉर्म पे और वहाँ से इसको अटैच कर देते हैं। हम लोग अपने गूगल वाले फॉर्म पे आ गए। अब हम लोग यहाँ ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ऐड फाइल पे क्लिक किया ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। हम लोग क्लिक करेंगे सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पे। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो आपको फाइल्स चूज़ करना है, बाकी तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं चूज़ करने, क्योंकि आप बस अब पीडीएफ ही अपलोड कर सकते हैं, आप एज अ इमेज फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको एरर मैसेज मिलेगा। तो हम लोग फाइल्स पे क्लिक करते हैं। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद हमने तो मैसेज में देख लिया था कि हमारा फाइल कहाँ सेव हुआ है, तो डाउनलोड में सेव हुआ है। तो डाउनलोड के लिए या तो डाउनलोड डायरेक्ट यहीं दिख जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप फाइल मैनेजर में चले आइए। यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, एस टी कार्ड और इंटरनल स्टोरेज। एस टी कार्ड इंटरनल स्टोरेज में आ गया मैं। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड नाम का फोल्डर खोजता हूँ कहाँ पे है, तो मुझे डाउनलोड्स फोल्डर ऊपर सबसे ऊपर दिख गया, ये रहा ये देखिए। ठीक है, इसको हमने ओपन करा, देखिए इंग्लिश नाम से हमने सेव करा था। अब हम इस पे ना सिंपली क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ओके। अब हम देख सकते हैं कि हमारा फाइल यहाँ अपलोड होने को तैयार है। अब हम यहाँ किस पे क्लिक कर देंगे, सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने अपलोड पे क्लिक किया ये फाइल अपलोड हमारा हो गया और यहाँ पे अटैच हो गया, देख सकते हैं ये देखिए।
क्लियर है। चलिए अब हम लोग को ना कुछ नहीं करना, सबमिट कर देना है। अगर बैक में जाके देखना है तो देख सकते हैं, अदरवाइज सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे और हमें मैसेज प्राप्त हो जाएगा कि हमने सक्सेसफुली सबमिट कर लिया, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी आपका फॉर्म सही से सबमिट हो गया। धन्यवाद।